हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स ऑफ उड़ान। दिस इज पंकिल कपूर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये पॉसिबल हुआ आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्यार की वजह से। ऑब्वियसली हमारा हार्डवर्क भी रहा इसमें, बट विदाउट योर सपोर्ट या प्यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हमारा एक ड्रीम है कि इस चैनल को फर्स्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाया जाए। आप सबको भी बहुत खुशी होगी और आपका भी मन होगा, बिकॉज आपके अपने JNK का चैनल है ये, और ये ड्रीम हमारा है। इसे ज़रूर पूरा करेंगे, दिन रात एक करेंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे आप सबके लिए, और सो दैट नेशनल लेवल पे हमारा ये चैनल जो है जाए। एंड दिस विल बी द फर्स्ट एजुकेशनल चैनल JNK से जो कि नेशनल लेवल पे जाएगा। आई होप जल्दी हो जाए ये। वो सभी नए सब्सक्राइबर्स जो हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबको बता दूँ, हमने कंप्यूटर्स का कोर्स शुरू किया हुआ है यूट्यूब पे, जहाँ पर हम JKSSB अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट आई हुई है या अभी नोटिफिकेशन क्लियरली आएगी उसके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। 4 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। सो दैट ये 5th वीडियोज़ जो है ये आप सभी को समझ आए। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। मैं क्लियर कट शब्दों में बता दूँ आपको, वो सभी एग्जामिनेशंस जहाँ पर हिस्ट्री या जहाँ पर कंप्यूटर्स के बारे में एक पोर्शन है, 2 क्वेश्चंस हिस्ट्री या जनरेशंस पे ज़रूर पूछे जाते हैं कंप्यूटर्स की। 100% 1 से 2 सवाल, 2 तो आते ही हैं, मैंने खुद देखे हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियल आप सभी के लिए, अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो डिफरेंट लिंक्स होंगे, हमारे फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम हैंडल, देन फेसबुक पेज, देन उसके अराउंड आई थिंक टेलीग्राम पे भी चैनल क्रिएट किया हुआ है, उस पर वो सब मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उनको ज्वाइन या फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। गाइज, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को समझ क्यों रहे हैं, बिकॉज आज के समय पर जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हो, पहले ऐसा नहीं होता था, आज तो कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं। पहले जितने बड़े हॉल में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इतने बड़े बड़े साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे। तो पहले वाली बात और आज वाली बात में बहुत डिफरेंस है। हमें पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर के रूट्स क्या रहे हैं, कहाँ से ये कंप्यूटर का पूरा ओरिजिन हुआ है, पहले क्या साइज़ होता था। जैसे हम भी अपने रूट्स को कभी भूलते नहीं है, वैसे कंप्यूटर के रूट्स को भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले कितनी जनरेशन्स है हमारे पास कंप्यूटर की, तो देर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अब वो 5 जनरेशन्स जो हैं वो ईयर वाइज डिफ्रेंशिएट की गई है। तो पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की, जहाँ से शुरुआत हुई 1940 से 1956 तक, ये जनरेशन चली। मैंने हर जनरेशन के आगे अगर आप ध्यान से देखो नाम लिखे हैं, ये नाम क्या है कि ये पूरी जनरेशन में इनका यूज़ हुआ है कंप्यूटर्स को बनाने में। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स में ये नाम पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सबके सामने लिखे हैं, ये इसीलिए कि आप नोट्स जो हैं वो रेडी कर सको। ऑल्दो इन द कमिंग टाइम हम इसके लिए जो PDFs है, बुक्स है, वो भी लाएंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये चीज़ें यहाँ से पढ़िएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किट्री। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था सर्किट्री के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती है, इतनी बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता था। और आप कभी भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब कैसी होती है, आपको दिख जाएगी। सर्किट्री मतलब जैसे आज के टाइम पे अगर हम किसी चीज़ को खोलते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, अंदर उसकी सर्किट्री दिखती है ना, और वैसे ही उस टाइम में भी सर्किट्री जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करके बनाई जाती थी। और आज के टाइम पे तो मेमोरी स्टोर कर या डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी कार्ड्स होते हैं, हार्ड ड्राइव्स होती है, और भी बहुत चीज़ें होती है। पहले क्या होता था, मैग्नेटिक ड्रम्स, बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते थे जहाँ पर डाटा को स्टोर किया जाता था। तो मैं रेड कलर से ये बॉक्स बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंप्यूटर्स इतने बड़े होते थे साइज में, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये पूरे पूरे रूम का साइज रखते थे। इस रूम में एक ही कंप्यूटर ऐसा आ सकता है, और इनकी हैंडलिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। एक जगह पर रख दिया तो वहाँ से कहीं और ले जाना इम्पॉसिबल सा था, साइज बहुत बड़ा था ना। आप अपने घर पे मान लो कोई हैवी चीज़ रखते हो, या हम अपने फैक्ट्री पे बहुत हैवी प्लांट एंड मशीनरी रखी है, बार बार उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इम्पॉसिबल सा है। जैसे हमारे घर के बेड एक रूम पे रख दिए,
अब हमें घर शिफ्ट करना है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेड को शिफ्ट करने में आती है, बिकॉज हैवी होता है, लार्ज इन साइज होता है, यही वो कारण है। इनकी प्रोग्रामिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है, देखो फ्रंट एंड पे तो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड पे ये कंप्यूटर किस वे में बनाया गया हमें नहीं पता। जैसे आप ATM यूज़ करते हो, वहाँ भी कंप्यूटर की शेप में एक मॉनिटर लगा होता है। अब आपको पता है कि आप 3 बार अगर वो रॉन्ग पासवर्ड डालोगे तो 4 टाइम वो डालने नहीं देगा, आपको कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज वहाँ प्रोग्रामिंग यूज़ हुई है। वैसे ही कंप्यूटर की, हर कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग होती है, तो बट यहाँ की बहुत डिफ़िकल्ट है। ये कंप्यूटर्स इतने एक्सपेंसिव थे, इतने महंगे होते हैं इनको ऑपरेट करना, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था इनको चलाने में, बिजली बहुत खर्च होती थी। इट मीन्स अगर इनको पहले यूज़ करना था तो हमारे लिए बहुत खर्चे वाला एक्सपेंसिव काम था ये। क्लियर गाइस? देन दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट विच वॉज ऑफन द कॉज ऑफ माल फंक्शन। ये इतनी हीट प्रोड्यूस करते थे जिसकी वजह से हमारा पूरा कंप्यूटर ही कभी ना कभी जल के खाक हो जाता था। ऐसा हुआ भी हुआ है एक इंसिडेंट में, बिकॉज बहुत एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती थी। हीट तो आज भी प्रोड्यूस होती है, हम अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाए, क्या हीट नहीं प्रोड्यूस होती? हमारा मोबाइल भी हल्का सा गर्म हो जाता है, चार्जर हो जाता है, बट इस हीट और उस हीट में बहुत डिफरेंस था, ज़मीन आसमान का। ये इतनी ज़्यादा थी कि वो माल फंक्शन का एक कारण बन जाती थी। क्लियर गाइस? जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल होती थी इस कंप्यूटर में, वो मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज थी, लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क और ऑपरेशंस। बड़ी लो लेवल लैंग्वेज, आज तो हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होती है, आज तो आप देखते हो C++ ये सब यूज़ होता है। देन उसके बाद ऐसे कंप्यूटर्स थे ये कि इनको अगर आप एक टास्क दे देते हो, उस टास्क को करने में कभी कभी ये दिन लगा देता था, कभी हफ्ते भी लगा देता था। और अगर आपको नया टास्क देना है तो आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए। देखिए लिखा भी है, दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। एक समय पे एक ही प्रॉब्लम दो आप दे ही नहीं सकते, जिसे मल्टीटास्किंग बोला जाता है। इट वुड टेक ऑपरेटर्स डेज और इवन वीक टू सेट अप अ न्यू प्रॉब्लम। ऑपरेटर्स जो हैं वो या तो उनको दिन या फिर हफ्ते लग जाते थे एक नई प्रॉब्लम को इसमें डालने के लिए। देन आउटपुट वॉज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट्स। देखो आज के समय पे अगर हमें इनपुट देना है कंप्यूटर को तो हम कीबोर्ड के जरिए देते हैं, पहले ऐसा नहीं था, पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय पे अगर कंप्यूटर से हमने आउटपुट लेना है स्क्रीन पे देख लेते हैं, पहले स्क्रीन होती ही नहीं थी और प्रिंट आउट्स लेने पड़ते थे हमें आउटपुट लेने के लिए। एग्जाम्पल ENIAC, देन UNIVAC, ये ऐसे कंप्यूटर्स थे जो कि इनकी एग्जाम्पल है। ऑल्दो इनकी जो फुल फॉर्म है वो आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि डिफरेंट इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था गाइस हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ स्पीड के बारे में मैंने ज़रूर लिखा हुआ है, बट इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनानी है, तो ये आप याद रखना चाहो ज़रूर रख सकते हो। डिटेल वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्पीड कैसे थी इसकी। आई होप गाइज ये सब आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पे आते तब तक स्वेटिंग भी क्लियर कर लेते हैं। देन कम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स गाइज, यहां पे किसका रोल था बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया किसे, वैक्यूम ट्यूब्स को, जो यहाँ बहुत बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, यहाँ ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। दस कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, छोटे हो गए, फास्टर स्पीड बढ़ गई, चीपर सस्ते हो गए, मोर एनर्जी एफिशिएंट, इनकी एनर्जी और एफिशिएंट हो गई, मींस कि ये उतनी एनर्जी नहीं यूज़ करते या उतनी पावर नहीं यूज़ करते जितनी पहले यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। एंड मोर रिलायबल देन देयर प्रेडेसर्स। प्रेडेसर्स मतलब इनसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उन पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते थे, ये रिलायबल थे, इन पे फिर भी कुछ भरोसा जो है वो किया जाता था। क्लियर गाइस? देन
दो ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट. देखो हीट तो ट्रांजिस्टर भी जनरेट करते थे बट फिर भी बाकी इतनी इंप्रूवमेंट्स हो गई कि वो चीज़ को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी उसने इतनी इंप्रूवमेंट कर दी, साइज छोटा किया, सस्ते कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो गई. इस वजह से ये हीट का जो एक इशू था वो हमें प्रॉब्लम दिया ही नहीं. क्लियर गाइज? देन अभी भी ये रिलाय करता था पंच्ड कार्ड्स के ऊपर इनपुट करने के लिए, और आउटपुट के लिए हम इस पे अभी भी प्रिंटर्स या प्रिंटआउट का इस्तेमाल करते थे. पंच कार्ड्स की शेप अगर आप देखना चाहते हो जरूर गूगल करिएगा, आपको वहां पे शो हो जाएगी. बट इस कंप्यूटर ने मूव किया लो लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज तक. अब असेंबली लैंग्वेज एक अच्छी लैंग्वेज आ गई. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग, इसने कुछ कुछ मल्टीटास्किंग भी करना शुरू कर दी थी, मतलब एक साथ दो तीन काम ये कर सकता था. और एग्जाम्पल PDP-8, IBM 1401, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की. क्लियर गाइज? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बाद हमारे पास आ गए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पर देखो फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स. सेकेंड में क्या आया? ट्रांजिस्टर. थर्ड में ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस कर दिया गया माइक्रो प्रोसेसर्स के द्वारा, आईसीज के द्वारा. ये आ गए हमारी थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स. माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन में यूज होते थे. अब इसकी जनरेशन का एयर कहां से कहां तक? 1964 से 1971 तक इन्होंने रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस हो गए किसके द्वारा? आईसीज के द्वारा. आईसी को चिप भी बोला जाता है, और यही हॉलमार्क था. हॉलमार्क का मीनिंग यही एक सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट थी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर. बेसिकली क्या होता था, अब सभी ट्रांजिस्टर्स को मिनिचराइज किया गया और एक ही सिलिकॉन चिप के ऊपर उन्हें रखा गया, जिसे हम सेमीकंडक्टर भी बोलते थे, जिसकी वजह से ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आई, एफिशिएंसी बढ़ गई कंप्यूटर्स की, एंड सिमिलरली स्पीड जो थी कंप्यूटर्स की वो भी इंक्रीज हो गई. तो यही एक इंपॉर्टेंट था कि ट्रांजिस्टर्स की जगह हम आईसीज जो हैं उनका इस्तेमाल करते थे. अब यहाँ क्या थी? मशीन लैंग्वेज. यहाँ पर क्या आ गई? असेंबली लैंग्वेज. और यहाँ आ गई हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन, कोबोल एंड सो ऑन. अब लैंग्वेज के लिए एक अलग से चैप्टर है, वो आपको वहाँ बताया जाएगा. एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी, NCR 395, B6500, ये कुछ एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की. क्लियर गाइस? वेट करते हैं एक सेकेंड. मैं स्पेसिफिकली इसी हॉल में ये वीडियो बनाने के लिए आया, बिकॉज यहाँ क्लैरिटी बहुत होती है, दिखने में बहुत आसानी होगी. वरना रूम में बच्चों का था कुछ कि सर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है. गाइस अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर. ये वही जनरेशन है जिसमें आज भी हम हैं. 1971 से प्रेजेंट तक अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, और फिफ्थ शुरू भी हो चुकी है. यहाँ माइक्रो प्रोसेसर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था. फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यही आईसीज, थाउजेंड ऑफ आईसीज को लिया गया और उसको हम सिलिकॉन चिप के ऊपर रख गए. उसी को बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर. क्लियर? कुड फिट ऑन टू द पाम ऑफ ए हैंड, मतलब इतने छोटे भी है आजकल कंप्यूटर्स की हम अपने हथेली में भी रख सकते हैं. एज दी स्मॉल कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल. गाइस एक कॉल आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड. कोई बात नहीं. अब इन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये कंप्यूटर्स जो थे ये ज़्यादा पावरफुल हो गए, इसलिए इनको लिंक किया जा सकता था टुगेदर, कि एक नेटवर्क बनाया जा सके. सभी कंप्यूटर्स को लिंक कर दिया गया, और उसी नेटवर्क को तो ही हम बोलते हैं कि इंटरनेट. वही तो इंटरनेट होता है. तो ये इंटरनेट की डेवलपमेंट में बहुत काम आए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि दे ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ क्या आया, माउस का इस्तेमाल करना शुरू हुआ जो आज हम यूज़ करते हैं. देन GUIs, स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. GUIs का इस्तेमाल हुआ, जो इंटरफेस हमारे सामने कितना यूजर फ्रेंडली होता है. इंटरफेस मीन्स वो चीज़ जो आप और कंप्यूटर के बीच में है, जो आपको दिखती है. देन हैंडहेल्ड डिवाइसेज मतलब जो हाथ के जरिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे डिवाइसेज आ गए. इंटेल 4004 चिप, मैकिंटोश, ये सब जो हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में बात आती है. तो ये गाइस से हमारे पास चार जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब रहती है हमारे पास एक फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ. यहाँ ध्यान से देखिएगा गाइस, अब कौन सी जनरेशन आ गई हमारे पास?
फिफ्थ जनरेशन देखो ये 1971 से प्रेजेंट, तो फिफ्थ जनरेशन कहां से कहां तक होगी? प्रेजेंट से बियॉन्ड, मतलब आज से अब आगे तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ही रहेगी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एआई। एआई मींस जगह नहीं है, मैं इसलिए यहां लिख रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इनके ऊपर बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप बहुत बार यूट्यूब यूज करते हो। एक बार आपने किसी चैनल को खोल दिया, चाहे आपने उसको सब्सक्राइब ना भी किया हो, होता क्या है बार बार यूट्यूब हमें उसी की नोटिफिकेशंस दिखाता है। जैसे मान लो मैं कल ही कोई एक मोबाइल सर्च कर रहा था, मैंने उसे फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सर्च किया, देखा, उसके बाद मैं जो ऐप यूज़ करूँ वहाँ पर उस मोबाइल की ऐड आए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने जज कर लिया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमें वही दिखाएगा। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन भी है। वॉइस रिकॉग्निशन का मीनिंग क्या हो गया, हमारी आवाज के जरिए ही ये कंप्यूटर्स जो हैं टाइप कर लेते हैं। होता ना वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, यू डोंट हैव टू टाइप, यू कैन सिंपली से, वही चीज़ हमारी टाइप हो जाएगी। और सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, उसने बहुत हेल्प किया। क्या हेल्प किया उसने, ये सब सर्कल्स में भाई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए लिख रहा हूँ। उसने बहुत हेल्प किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक रियलिटी बनाया जा सके। तो गाइज ये थे इम्पॉर्टेंट जो फिफ्थ जनरेशन के बारे में हमने बात करनी थी। अब बात आती है, जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, यहाँ एग्जांपल रोबोटिक्स, ये जो रोबोट्स बनाए जाते हैं ये भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, एक ही साथ जितने मर्जी काम करवा लो। तो ये थे गाइज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब हम एक बार रिविजन देते हैं, क्विक रिविजन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वहाँ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस किया, ट्रांजिस्टर ने। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स या चिप्स ने, ICs। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स आए। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वहाँ पे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो रहा। और ईयर्स जो है वो मैंने इनके बताए हुए हैं आपको। तो आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ज़रूर शेयर करिएगा उन सभी फ्रेंड्स तक जिनको ये कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी लेनी है। बिकॉज मैं आपको बता रहा पूरे YouTube पे सर्च करो, ये मटेरियल नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, ये मटेरियल नहीं मिलने वाला। आप इसको नोट्स बना सकते हो जो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आज के लिए इतना रखते हैं गाइज, ज़रूर शेयर करिएगा, मैंने बताया, आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड हेल्प अस टू रीच टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आज के लिए इतना रहते हैं, थैंक्स अ लॉट।